नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। जबलपुर जिले के आधारताल संजय नगर निवासी सुमित सिंह ठाकुर ने न्यूजीलैंड में आयोजित 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ स्पर्धा में 74 किलो वेट में प्रथम स्थान प्राप्त कर जबलपुर ही नहीं मध्य प्रदेश के साथ ही भारत का नाम भी रोशन किया है। इस अवसर पर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्षेत्र विधायक लखन घनगोरिया एवं कांग्रेस नेता गोरू यादव ने सुमित सिंह ठाकुर का फूल माला से स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। कारखाने को जिस युवक ने गौरवान्वित किया सुमित सिंह ठाकुर, पावर लिफ्टिंग में न्यूजीलैंड से देश के लिए मेडल लेके आया। अथक कोशिश रही सुमित की और गजब का प्रयास रहा है। जबलपुर का नाम सिर्फ देश में नहीं सारी दुनिया में रोशन किया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से उत्तरोत्तर वो इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, शहर के लिए नए नए और भी मेडल लेके आए, ऐसी कामना करता हूँ। और खेल के जगत में वो बहुत आगे बढ़े जिससे हमारे देश का नाम होता है। न्यूजीलैंड में उसमें मैंने 74 वेट कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ओवरऑल और चैंपियन बना हूँ स्ट्रॉन्ग मैन टाइटल विनर बना। क्या अनुभव है, क्या यात्रा रही इस पदक को प्राप्त करने का? इसकी कोशिश तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, इसका प्रयास 4 सालों से मैं लगातार करता आ रहा हूँ। बस ये था संघर्ष भरा था एकदम, बहुत काफ़ी मतलब बहुत ही फाइट, इसमें काफ़ी देश आए हुए थे उसमें, लेकिन सब अच्छा हुआ बढ़िया। लगभग कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था इसमें? वेट 74 वेट कैटेगरी में 20 थे हमारे उसमें फाइट में, मतलब जो चैंपियन थे तो उन सबसे फाइट वाली फिर जाता है। आपका कड़ा मुकाबला किसके साथ था? हमारा कड़ा मुकाबला नोएडा वाले से, कनाडा था, यूएसए के थे, ये सब इनसे बहुत फाइट चल रही थी। शहरवासियों को या मित्र मजबूरी को आपको? हाँ, दोस्तों ने और सर ने, विधायक जी ने बहुत ही हेल्प की हमारी, उनका आशीर्वाद से ही मैं आज तक पहुँच पाया हूँ। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।